हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और वंदना रियल ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ लाल साग की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो हमारे लिए बहुत हेल्दी है और इसमें आयरन की मात्रा भी बहुत है। आइए चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। लाल साग बनाने के लिए हमने आधा किलो लाल साग ले लिया है, इसको चौड़ाई का साग भी बोलते हैं। और इनकी पत्तियों को निकालेंगे, इनकी पत्तियों को निकाल कर डंठल अलग कर देंगे। और इसके जो मोटे डंठल होते हैं उनकी भी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। आलू डाल के इसकी सब्ज़ी बनाते हैं हम। तो पहले इनकी पत्तियों को निकाल लेंगे। हमने सारे साग की पत्तियां निकाल ली हैं, अब इसको नाइफ की सहायता से कट करेंगे। और ये साग बनाना बहुत आसान है और इसमें विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी की भी मात्रा पाई जाती है। सारे साग की पत्तियों को हम धीरे धीरे नाइफ की सहायता से कट कर रहे हैं। और ये साग खाने में बहुत अच्छा लगता है, इसकी भाजी बहुत अच्छी बनती है। धीरे धीरे करके सारे साग को कट कर लेते हैं। लाल साग या चौराई का साग, यह साग गर्मियों के मौसम में आता है और ये अक्टूबर सितंबर तक मिलता है और ये आसानी से बाजार में आपको मिल जाता है। और इसमें बहुत पोषक तत्व होते हैं, इसलिए हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद है ये साग, क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा भी बहुत होती है। अब हमारा लाल साग कट के तैयार हो चुका है। अब ये बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लाल साग की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हम मीडियम फ्लेम पर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख देते हैं और उसमें 4 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डाल देते हैं। जब मस्टर्ड ऑयल गर्म हो जाएगा फिर इसमें 1/2 टीस्पून जीरा, एक लाल या हरी मिर्ची कट करके डाल देंगे और 4 से 5 लहसुन की कलियाँ कट करके डाल देते हैं। और जब ये भुन जाएगा उसके बाद इसमें 2 मीडियम साइज के प्याज को काट कर डाल देंगे और इन सबको भूनने देंगे। आप हरी मिर्च या लाल मिर्ची अपने अनुसार डाल सकते हैं, आपको जितना तीखा खाना हो उतना आप मिर्ची इसमें डाल सकते हैं। और फिर इन सबको भूनेंगे और जब प्याज भून जाएगा तो उसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे और फिर इन सबको अच्छे से भूनेंगे। अब हमारा प्याज अच्छे से भून कर तैयार हो गया है। अब इसके बाद इसमें कटे हुए लाल साग को डाल देते हैं। और फिर इसको भी पलटे की सहायता से चला देंगे और अच्छे से भूनेंगे। इसको अच्छे से मिलाने के बाद इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे और साग में से अपने आप पानी रिलीज हो जाएगा और ये अपने आप गल जाएगा। साग में अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा बहुत होती है। साग अच्छे से मिल चुका है, अब इसको इसी तरह छोड़ देंगे, ढक के पकने देंगे। पाँच मिनट बाद देख सकते हैं साग गल चुका है, थोड़ा सा गल गया है ये। इसको फिर से चला देंगे अच्छे से। इसको अच्छे से मिला के ही चलाना है जिससे साग अच्छे से मिल जाए।
देख सकते हैं गाइस, साग कितना कम हो गया है गल के, और अभी ये और गलेगा, उसके बाद जाके साग हमारा बनके तैयार हो जाएगा। इसको चला दिया है, इसी तरह चलाते जाएंगे और फिर इसको थोड़ी देर के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। अब इसको हम ढक देंगे और 2 मिनट बाद देख सकते गाइस साग गल चुका है। अब इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट डाल देंगे और फिर सबको अच्छे से मिला देंगे। अब हमारा साग का भाजी बनकर तैयार होने वाला है। अब 5 मिनट बाद साग बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगा। साग को अच्छे से मिला दिया है और उसके बाद फिर इसको 2 मिनट के लिए इसी तरह पकने देंगे। देख सकते हैं गाइस 2 मिनट हो चुका है, साग हमारा बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। इसको अच्छे से मिलाएंगे। देख सकते हैं गाइस मैंने पलटी की सहायता से हम इसको कैसे मिला रहे हैं, आप भी इसी तरह इसको मिलाएंगे। इसी तरह इसको मैश करना है, पलटी की सहायता से ही ये अच्छे से मैश हो जाएगा। साग की भाजी हमारी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। अब फ्लेम को बंद कर देंगे और साग की भाजी को दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे। देख सकते हैं गाइस साग की भाजी बनकर बिल्कुल तैयार है और ये बहुत हेल्दी है। देख सकते हैं, एक चम्मच में निकाल के आपको दिखाती हूँ। इस साग को या भाजी को हम राइस के संग खा सकते हैं। ये राइस के संग खाने में बहुत टेस्टी लगता है ये साग। ये लाल साग बच्चे हों या बड़े सभी के लिए काफ़ी फायदेमंद है, क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा बहुत होती है और इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी भी पाया जाता है। इसलिए ये साग काफ़ी फायदेमंद है हमारी सेहत के लिए। लाल साग और या चौराई की भाजी की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि लाल भाजी की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।